लोकसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं और ऐसे में अगर बात की जाए कानपुर की तो राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। कानपुर में लोकसभा चुनाव की बात करें तो सीधी टक्कर बीजेपी से रमेश अवस्थी और कांग्रेस से आलोक मिश्रा के बीच देखी जा रही है। वहीं कानपुर में आज कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। बता दें कि कुछ दिनों पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए अजय कपूर ने आज भारी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई और ऐसा माना जा रहा है कि अजय कपूर कांग्रेस को कानपुर शहर में तगड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उनके बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी टूट देखी जा रही है। देखिये, देश में जो एक वातावरण है पिछले 10 साल के आदरणीय मोदी जी के कालखंड का, एक सकारात्मक वातावरण है, उत्साहमय वातावरण है। आज पूरा देश जो इस देश के प्रगति के पथ के ऊपर देखना चाहते हैं, जो इस देश की विकास चाहते हैं, जो इस देश को पुनः उन्नत ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं जब विश्व गुरु के स्थान पर भारत स्थापित था, आज वो ऐसे सारे लोग किसी भी दल में रहे हों, सब भारतीय जनता पार्टी की तरफ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आज एक आशा और विश्वास है कि देश प्रगति करेगा। हर व्यक्ति गरीब आदमी की चिंता करने वाला, युवाओं की चिंता करने वाला, महिलाओं की चिंता करने वाला अगर कोई एक व्यक्ति है इस देश में तो नरेंद्र मोदी है, और एक पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित होकर आज बहुत बड़ी संख्या में अजय कपूर जी के नेतृत्व में लोग कानपुर में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं और सभी लोगों को बधाई देता हूं। लोकसभा चुनाव से पहले आज भाजपा में एक बहुत बड़ा बदलाव सामने निकल के आया है, जो कि हमारे साथ यहां पे पूर्व विधायक भी हैं अजय कपूर, एक बार उनसे बात करेंगे। क्या कितने लोगों ने यहां पे भाजपा की सदस्यता ली है और ये बहुत बड़ा अपने आप में एक इतिहास लिखा जा रहा है, आइए पर उनसे भी बात करते हैं सर। आज 3000 लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे। आज सम्मानित कम से कम 22 पूर्व पार्षद, सम्मानित पूर्व अध्यक्ष, अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, सेवा दल के अध्यक्ष, कांग्रेस के बहुत से पदाधिकारी, वार्ड अध्यक्ष आज सदस्यता लेंगे और ये श्रृंखला है, यह हजारों की तादाद में चलेगी। और इस बार का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य आज तक के आज़ादी के बाद में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी सबसे ज़्यादा मतों से जीतेगा, इस विश्वास के साथ मोदी जी के नेतृत्व में, उनके परिवार के सदस्य के रूप में नेतृत्व में, उनके नेतृत्व में, उनके चरणों में समर्पित होकर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने आप को निछावर कर। सर, मोदी जी का जो विजन है अब की बार 400 पार, उसको क्या लगता है कि अपने जो प्रत्याशी है रमेश अवस्थी, वो कितने मतों से, कितने लाख मतों से अब की बार विजय होंगे? मेरा विश्वास है कि आज तक के इतिहास में इतना बड़ी जीत, इतने अंतर की जीत किसी की नहीं होगी जो आदरणीय रमेश अवस्थी जी की, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की होगी।